हेलो फ्रेंड्स, SBI PL 2019 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सिलोजन के बारे में। वो जो हमारा टारगेट है वो है कैसे हम 30 मार्क्स ला सकते हैं रीजनिंग सेक्शन में। और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सिलोजन के क्वेश्चन जो है आप आराम से जो है विद इन 2 मिनट्स कर सकते हो और आपके 5 मार्क्स जो है आराम से आ जाएंगे इसमें। और एक अच्छा टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन में। अगर हम बात करें स्कोरिंग टॉपिक्स में अगर बात करें तो सिलोजन का जो है अच्छा टॉपिक। अगर आपने कमांड इसमें अच्छी कर लिया तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल आसानी से आप इसमें गेन कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म को। ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सिलोजिज्म के। और सिलोजिज्म के मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा आपको, आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बैंकिंग ट्रिक्स की सेंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट टाइम टाइम आते रहे। तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए सिलोजिज्म में जो क्वेश्चन रहते हैं हमारे किस टाइप के रहते हैं। इसमें इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको बताना होता है कि लॉजिकली जो फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो हमारी कंक्लूजन फॉलो करेगा लॉजिकली वो आपको बताना होगा। जैसे ऑप्शन दिए रहेंगे आपके, फर्स्ट में इफ ओनली कंक्लूजन 1:2, सेकंड में दिया रहता है आपको ओनली कंक्लूजन 2:2, थर्ड में दिया इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2:2, फोर्थ में स्टेप्स दिया रहेगा इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2:2, फिफ्थ में दिया रहता है आपका इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपके क्या होता है, स्टेटमेंट्स दी रहती है और कंक्लूजन दिया रहता है। आपको स्टेटमेंट से जो है कंक्लूजन बतानी होती है कि ट्रू कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड या दोनों है या दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो एक मेथड इसका आपने पढ़ा होगा 100 और 50 वाला, ठीक है, इसको मैं कहूंगा आप फॉलो मत करिए क्योंकि हर किसी केस में काम नहीं करते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो अप्रोच होती है वो हर क्वेश्चन में काम करिए और इससे आपका जो है एग्जैक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल जो भी आंसर होगा उसमें ये नहीं रहेगा कि आपका गलत होने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है बिल्कुल आप 100% उसको एक्यूरेट सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स देखिए क्या दी हुई है, 3 स्टेटमेंट्स जो आपको दी हुई है। ऑल मशीन्स आर बैड, सम बैड आर ग्लोब, ऑल ग्लोब आर राउंड। सबसे पहले देखिए इसको बनाना कैसे है। ऑल मशीन्स आर बैड दिया है तो हम इसको अगर मशीन ले ले, ऑल मशीन आर बैड, ठीक है, तो ये सारी की सारी मशीनें क्या है, बैड, ठीक है, तो सारी मशीनें बैड है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमने ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या बोलता है, सम बैड आर ग्लोब। अब सम बैड आर ग्लोब जो हम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, सम बैड आर ग्लोब, कुछ बैड जो है ग्लोब हो गए। अब देखिए आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम ऐसे भी तो बना सकते, सम मशीन आर बैड था, और अगर हम ऐसे बना दे तो सम बैड आर ग्लोब तब भी आ रहा है हमारा बैड का हिस्सा। लेकिन इसमें होता क्या, आपको मशीन का हिस्सा भी आ गया, ठीक है, तो मशीन का पार्ट हमें नहीं लेना, जितना हमें क्वेश्चन में दिया सिर्फ उतना करना है, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम ओवरलैपिंग हो सके। इसमें देखिए ओवरलैप बैड से भी हो रहा है और मशीन से भी हो रहा है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इस टाइप से हमें अप्रोच नहीं करनी, हमें जितना क्वेश्चन में बोला सिर्फ उतना ही करना है और मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। तो मशीन से ओवरलैप ना करे इसको, सिर्फ बैड से करे, जितना बोला है क्वेश्चन में उतना ही हमें करना होता है। और थर्ड में दिया हुआ स्टेटमेंट में ऑल ग्लोब आर राउंड, तो सारे के सारे ग्लोब जो है राउंड है, आप इसको सिर्फ ग्लोब को लेओगे और पूरे पूरे इसको बना लोगे राउंड, ठीक है, तो ऑल ग्लोब आर राउंड। अब आप बोलोगे इस स्टेप से भी बना सकते थे कि सारे के सारे ग्लोब राउंड हो जाए, तो इसमें आपका मशीन भी आ गया बैड भी आ गया कुछ कुछ पार्ट, तो ये नहीं करना, जितना हमें बोला सिर्फ उतना करना है। इस स्टेप से आप अप्रोच नहीं करेंगे क्वेश्चन को। इस टाइप जैसे मैंने आपको बताया जितना बोला क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जितना बताया गया होगा उतना करना है, ठीक है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब इस पे आप कंक्लूजन बहुत आसानी से निकाल लो। देखिए इसमें कंक्लूजन क्या दिया है, सम मशीन्स आर राउंड, कुछ मशीन्स राउंड है, फर्स्ट भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली फॉलो करता है। अब जहां पर भी आपका नो आ जाए, नो मशीन इज राउंड, ठीक है, तो इसमें आपकी बन जाती है पॉसिबिलिटी, तो आपको चेक करनी पड़ेगी कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन में क्या दिया है, मशीन्स राउंड, सेकंड कंक्लूजन में मशीन है राउंड है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सम है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो एक स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो और जो इसके बीच में वर्डिंग है वो जो है सेम हो, जैसे मशीन राउंड और मशीन राउंड, तो आपको क्या होगा यहाँ पे आइदर कंक्लूजन 1 और 2:2, आइदर और का केस आ जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे आइदर कंक्लूजन 1 और 2:2, मतलब आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लिया, 99% केस में यही होता है। जो 1% केस आपका बच्चा इसमें आपका ये फॉलो नहीं करता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन आप अभी ध्यान रखिए अगर इस टाइप से आ जाए
दोनों में वर्ड सेम हो, जैसे मशीन लर्निंग का काफी कोई वर्ड दिया हो सेम हो दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन में और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आपका क्या आएगा केस आइदर और, क्योंकि देखिए क्यों आएगा सम मशीन आर राउंड, अगर ये ट्रू हो गया सम मशीन आर राउंड तो नो मशीन इज राउंड ये ट्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सम मशीन आर राउंड है तो नो मशीन इज राउंड ये तो होना ही ट्रू, अगर नो मशीन इज राउंड हो गया जैसा है और अगर सम मशीन आर राउंड ये वाला ट्रू नहीं होगा, या तो एक ही ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा और ये ट्रू होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है दोनों साथ में नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू इज ट्रू। अगर आप नोट सुना रहे हो उसमें भी आप लिख सकते हैं, अगर दोनों वर्ड्स यहाँ पे सेम रहे कंक्लूजन में और एक कंक्लूजन हमारी पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक है तो हमारा आंसर क्या आएगा आइदर और। जो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैंने पहले भी सिलोजियम पे क्लास ली हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, और इसकी वीडियो की मैं जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या दिया है स्टेटमेंट पढ़िए, ऑल कॉटन आर ज्यूट, ऑल ज्यूट आर ब्राउन, नो ब्राउन इज रेड। सबसे पहले हम इसको मानते हैं ऑल कॉटन आर ज्यूट, तो ऑल कॉटन आर ज्यूट इस टाइप से बना लेंगे, ठीक है सारे कॉटन ज्यूट हो गए, और इसके बाद सेकंड में क्या बोलते हैं ऑल ज्यूट आर ब्राउन, तो सारे के सारे ज्यूट क्या है ब्राउन है, तो सारे के सारे ज्यूट हमारे क्या हो जाएंगे ब्राउन हो जाएंगे। अब बोलता है नो ब्राउन इज रेड थर्ड वाले में, ठीक है तो ये जो ब्राउन है वो क्या है रेड नहीं, इसमें हम कट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स बात समझिए कि कोई भी ब्राउन रेड नहीं है, वो ब्राउन के अंदर ज्यूट भी है हमारा और कॉटन भी है, तो जब ब्राउन का रेड से ही कनेक्शन नहीं है तो अंदर वाला उसको वैसे भी कनेक्शन नहीं होगा इनडायरेक्टली, ठीक है तो हम अब कंक्लूजन देखते हैं ऑल ब्राउन आर कॉटन, क्या सारे के सारे ब्राउन कॉटन है, फर्स्ट हमारा ऑल से सारे के सारे ब्राउन कॉटन नहीं है, कुछ पार्ट ब्राउन का कॉटन है। अगर ये स्टेटमेंट रहती ऑल कॉटन आर ब्राउन, अगर यहाँ पे ये दिया रहता ऑल कॉटन आर ब्राउन तो हमारा ऑल कॉटन जो है ब्राउन था वो ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे दिया ऑल ब्राउन आर कॉटन, हमारा कुछ पार्ट ब्राउन का कॉटन लेकिन सारा पार्ट ब्राउन का कॉटन नहीं है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे ये दिया रहता सम ब्राउन आर कॉटन तो हमारा ये जो है कंफ्यूजन ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे दिया ऑल ब्राउन आर कॉटन तो ऑल ब्राउन कॉटन नहीं है, कुछ पार्ट जो है ब्राउन का कॉटन है, तो फर्स्ट हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड की बात करें सम ज्यूट आर कॉटन, तो कुछ ज्यूट का पार्ट कॉटन है, सही बात है, ये देखिए ये भी ज्यूट में आ रहा है क्योंकि सम ज्यूट का पार्ट जो है कॉटन भी है, तो सेकंड हमारा ट्रू हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ठीक है देखिए यहाँ पर दिया ना ओनली सेकंड में ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। अब हम बात करते थर्ड क्वेश्चन की, इसमें क्या दिया है स्टेटमेंट पढ़िए आप, थ्री स्टेटमेंट है सम क्यूट आर टॉल, सम टॉल आर रबिश, और जो ये क्वेश्चन जो है ये SBI प्योर में पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पे थर्ड क्या दिया है ओल्ड रबिश आर मैन, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं सम क्यूट आर टॉल, तो कुछ क्यूट क्या है टॉल है, सम टॉल आर रबिश कुछ टॉल जो है वो रबिश है, एंड सम रबिश आर मैन, तो सम रबिश मैन। अब मैंने आपको बताया कि हम ये ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम ओवरलैपिंग जितना सिर्फ क्वेश्चन में दिया उतना करना है, सम टॉल आर रबिश के बारे में दिया सिर्फ टॉल टॉल को रबिश बनाएंगे, सम रबिश आर मैन दिया तो सम रबिश को मैन बनाएंगे, जितना कम ओवरलैपिंग हो सकता है हमें उतना करना है, जितना क्वेश्चन में दिया सिर्फ उतना ही। अब हम कंक्लूजन देखते हैं सम मैन आर टॉल, क्या कुछ मैन टॉल है, मैन और टॉल में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। सम क्यूट आर मैन, क्यूट और मैन में कोई है रिलेशन नहीं है यहाँ पर भी, तो सेकंड में हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, वो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका नाइदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू इज ट्रू, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सम मैन आर टॉल हमारा दिया नहीं है, फ्रेंड्स सोच थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसमें देखिए थर्ड क्या दिया होता ओल्ड रबिश आर मैन, तो ये हमारा नॉट ड्रॉ होके क्या बनेगा, इसको मैं दोबारा से कराता हूँ आपको, ये जो है थोड़ा यहाँ पे हमने रॉन्ग पढ़ लिया क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए इसमें क्या करना था सम क्यूट आर टॉल, तो हमारा सम क्यूट टॉल हमने बना लिया, सम टॉल आर रबिश था तो सिर्फ हमने टॉल को रबिश बना लिया, और थर्ड स्टेटमेंट में क्या है ओल्ड रबिश आर मैन दिए, तो हमारे सारे के सारे रबिश मैन, ठीक है तो हमने उसमें उल्टा पढ़ लिया था सम रबिश आर मैन कर दिया था, तो हमारा यहाँ पे ओल्ड रबिश आर मैन दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब देखिए कंक्लूजन पढ़िए आप सम मैन आर टॉल, तो मैन का कुछ पार्ट यहाँ पे टॉल में भी आ रखा है, ठीक है फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे सम क्यूट आर मैन, क्यूट ये है और मैन ये है, इन दोनों कोई पार्ट आपस में
नहीं हो रहा है ओवरलैप तो सेकंड हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा करंट कौन सा कंक्लूजन सही हो रहा है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, ऑल लाइट्स आर वर्ड्स। सबसे पहले हम लाइट्स को जो है वर्ड्स बना, ऑल लाइट्स आर वर्ड्स, ठीक है फ्रेंड। और फिर बोला है सम पेपर्स आर वुड्स, कुछ पेपर ये वुड्स है वर्ड्स नहीं है। सम पेपर आर वुड्स, तो कुछ पेपर जो है वुड्स है, तो हम पेपर से पी को डिनोट कर लिया, सम पेपर आर वुड्स, ठीक है। अब मैंने बताया कि ऐसे क्यों नहीं बना रहे हम लाइट को भी लेके, क्योंकि जितना हमें क्वेश्चन में बोला उतना ही करना है, और जितनी कम ओवरलैपिंग हो सकेगी वो हमें ध्यान रखना है, मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। और देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल पेपर्स आर बोरिंग, तो सारे के सारे पेपर्स जो है वो बोरिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप का पे बन गया, सम ऑल पेपर्स आर बोरिंग, जितनी मिनिमम ओवरलैपिंग होगी उतना करना है। ये नहीं कि आपने पूरा पेपर ऐसे बना लिया इसमें आपके एल भी आ गया डब्ल्यू भी आ गया लाइट और वुड्स भी आ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन देखिए, सम बोरिंग आर वुड्स, बोरिंग का पार्ट्स वुड्स में आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड में देखिए सम वुड्स आर लाइट, कुछ वुड्स जो है लाइट भी है, क्योंकि ये भी तो वुड्स का पार्ट ही तो है, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ये देखिए आप देख सकते हैं दिया ना फिफ्थ में, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये हमारा जो है कि राइट हो गया ऑप्शन। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। और जो अभी मैंने जो है आपको सिर्फ विदाउट पॉसिबिलिटी केस कराया, मैं वैसे भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी केस ही बनेगी, जिसमें हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको पढ़िए, सम सोशर आर लाइव, सम सोशर आर लाइव, तो हम कैसे बना देंगे, सम सोशर आर लाइव, ठीक है। सेकंड में बोलते हैं सम कवर आर प्लास्टिक, तो सम कवर आर प्लास्टिक इन दोनों में तो मिल ही रहा है, नेक्स्ट डे पढ़ लेते हैं क्या बताए, इनसे लिंक बन रहा हो। सम प्लास्टिक आर रियल, इसमें भी लिंक नहीं बन रहा है, तो इसको हमें नेक्स्ट अलग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सम कवर आर प्लास्टिक, तो कुछ कवर सी से नोट कर दिए आर प्लास्टिक, ठीक है। फिर बोलते हैं सम प्लास्टिक आर रियल, सम प्लास्टिक आर रियल, तो ये हमारे यहाँ से डायग्राम बनेगा अलग अलग, क्योंकि इन दोनों में जो है कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमको, तो कोई नहीं, इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन अगर हम देखें, सम प्लास्टिक आर लाइव, तो कुछ प्लास्टिक और लाइव में कुछ है रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट हमारा फॉल्स। सेकंड बोलते हैं सम कवर आर रियल, कवर और रियल में रिलेशन हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको समझाया अच्छे से, तो आपको टाइम लगा होगा, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं क्वेश्चन कर लेते हैं डेली, अगर आप 5-5 क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप 2 मिनट से ज्यादा इन क्वेश्चन को करने में लेंगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बहुत इजीली जो है आप वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, और मैं बोलूंगा आप वेन डायग्राम को ही रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलते हैं। तो ये मैंने वीडियो बताया आपको सिलोजियम का, अगर आप पहले वाला मेरा सिलोजियम का वीडियो नहीं देखा वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैंने जितना भी वीडियो पढ़ाया है सिलोजियम का, इसमें आपके लगभग 90% सिलोजियम जो है कम्प्लीट हो गए, ठीक है। बाकी के जो कुछ केस बचते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, SBI PO 2019 में हमने जो पूरा टारगेट बनाया है वो हमें पूरा करना है, और SBI PO 2019 पूरा सिलेक्शन गारंटेड ले लेना है हमको। और मैंने जितनी भी स्ट्रेटजी बताई आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे हमें तैयार करना है, सब कुछ आपको जो है पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए Banking 377 को, ताकि आपको जो है सारे वीडियोज के अपडेट टाइम टाइम मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।